हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो भाइयों, इसमें आपको बताने वाला हूँ Xiaomi 12 Pro मोबाइल के बारे में, जो कि काफी एक्सलेंट मोबाइल होने वाला है और इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि Amazon के होम पेज पे भी ये आ चुका है। तो इसी मोबाइल की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, इसका इस मोबाइल का आपको वेट करना चाहिए या नहीं, आपको बेस्ट एंड एक्सलेंट मोबाइल लेना है तो चलिए वीडियो शुरू कर दे। अगर न्यू व्यूअर हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भाई, ये वीडियो शुरू करते हैं और Xiaomi 12 Pro मोबाइल की पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल की। तो आपको फुल ग्लास का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेम आपको मेटल मिलेगा, फ्रेम आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये मोबाइल काफी बेस्ट लुक के साथ आ रहा है और आपको बैक साइड में टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। लुकिंग वाइज काफी बेस्ट आपको लुक प्रोवाइड करता है। फ्रंट साइड आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, हल्के हल्के बेजल्स होंगे और चीन काफी पतले होगी, तो ये मोबाइल लुकिंग वाइज काफी बेस्ट है फ्रंट से भी। इसके कलरिंग की बात करें तो आपको ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन में देखने के लिए मिल जाएगा। एक कलर आ रहा है फिक्स है और इसके साथ कुछ और कलर आ सकते हैं, तो देखेंगे कुछ दिनों के बाद। ये मोबाइल बेस्ट इन क्लास लुक के साथ आता है, बेस्ट लुक के साथ आ रहा है। लुकिंग वाइज इसमें कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसका लुक काफी बेस्ट है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.73 इंच का फुल HD 2K रिजोल्यूशन वाला आपको मिल जाएगा सुपर एमोलेड पैनल, जो कि LTPO A+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसका डिस्प्ले परफॉर्मेंस आपको कहीं से भी छोटा सा भी गड़बड़ नहीं देखने के मिलेगा, एक्सलेंट डिस्प्ले है गाइस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो कि इसमें आपको काफी बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जो कि इसमें क्वाइड HD+R सुपर एमोलेड पैनल का सपोर्ट मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। इसमें आपको मिल जाएगा HDR10+ का सपोर्ट मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा, 521 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने की मिल जाएगी। सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिल जाएगा, 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी, 1000 निट्स की निट्स ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आपको मिलेगा 1500 की पीक ब्राइटनेस, जो कि इनडोर आउटडोर आपको एक्सलेंट है परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। आपको ब्राइटनेस डिस्प्ले ब्राइट मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। और गेमर्स की बात है तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा और 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। ये मोबाइल काफी एक्सलेंट एंड बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी के साथ ये मोबाइल थोड़ा बड़ा भी होगा, आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। इसके डिस्प्ले में कोई डाउट नहीं, आपको एक्सलेंट से एक्सलेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी क्लियर परफॉर्मेंस होने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आ रहा है, जो कि 4 नैनोमीटर का चिपसेट है। एक्सलेंट आपको टॉप क्लास एंड बेस्ट इन बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। लैग्स हल्का फुल्का, लैग्स नहीं, हीट हल्का फुल्का करता है, लैग्स बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपको मोबाइल हीट भी करता है तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट है, जो कि एक्सलेंट इसका गेमिंग प्रोवाइड करा रहा है, काफी बेस्ट परफॉर्मेंस है। CPU की बात करें तो 3.0 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ है। ARM कोर X2 कोर आपको मिलते हैं, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के मिलेंगे। डे टू डे लाइफ में मक्खन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें Adreno 730 GPU देखने के लिए मिलता है, जो कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो काफी बेस्ट गेमिंग, काफी बेस्ट ग्राफिक्स होने वाला है। LPDDR5 मिलेगा, UFS 3.1 का सपोर्ट है। इसमें आप बेस्ट गेमिंग, एक्सलेंट गेमिंग खेल सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग टॉप क्लास परफॉर्मेंस मिल जाएगा इसके परफॉर्मेंस से। तो इसके परफॉर्मेंस के तहत आप आंख बंद करके जा सकते हो। तो बात करेंगे इसके बैक साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप की, जो कि आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, फिर मिलेगा 50 मेगापिक्सल का टेलीपोर्ट 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आ रहा है, जो कि 48mm फोकस का सपोर्ट मिलेगा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बस आपको किलर कैमरा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा बैक साइड से। 50+50+50 का सपोर्ट है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 8K 24fps का सपोर्ट है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सीलेंट प्रोवाइड करा रहा है। और 4K 60fps का कैजुअली डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, डिसेंट सा नहीं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 4K 60fps का सपोर्ट है, 8K का सपोर्ट है। इसके कैमरा में कोई भी डाउट नहीं, आपको बेस्ट मिल जाएगा कैमरा फीचर, कैमरा सेटिंग आपको सभी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, आपको एक्सलेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा फ्रंट कैमरे से। आप 1080 60fps का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ आपको चेंजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 4K का भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ कंफर्म 1080 60fps का
7 आ रहा है। इसके परफॉर्मेंस में, कैमरा परफॉर्मेंस में, बैक साइड से, फ्रंट साइड से कोई डाउट नहीं, इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। बैटरी की बात करें तो आपको बैटरी ठीक ठाक मिल जाएगा, 4600 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि इसमें डिस्प्ले एक्सलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, 8 Gen 1 एक्सलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, कैमरा एक्सलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। इसी के साथ इसमें 4600 ब्राइटनेस काफी अच्छा और एक्सलेंट निकाल के देगा, एक दिन का बैकअप आपको आराम से दे देगा, इसलिए क्योंकि इसके पीछे जो सभी परफॉर्मेंस है आपको काफी बेस्ट मिल रहे हैं। इसी के साथ एनर्जी बचा के रखता है, तो इसी के साथ 4600 mAh की बड़ी बैटरी, एक दिन का बैकअप आपको आराम से दे देगी। अगर आप हैवी गेमर हो तो भी 7 to 8 आवर्स का ऑन स्क्रीन टाइम ले सकते हो, तो काफी अच्छी बात है। 120 वाट का हाइपर चार्जर मिलता है, जो कि बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सैमसंग आजकल 20-25 हजार के अंदर नहीं देता चार्ज, 25 वाट वाला भी चार्ज नहीं देता, ये 120 वाट का फास्ट चार्जर दे रहा है, जो कि एक्सलेंट बात है। आपका 18 मिनट में मोबाइल फुल चार्ज कर देगा, तो काफी बेस्ट बात है। यूएसबी टाइप सी देखने के लिए मिलेगा और 3.5 mm जैक देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ्लेक्सिप लेवल का फोन है, तो 3.5 mm जैक बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा, यूएसबी टाइप सी का यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्वाइड स्टूडियो स्पीकर मिलता है, जो कि चार स्टूडियो स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप डुअल स्टूडियो स्पीकर जमाना गया, इसमें आपको आप चार स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे, काफी एक्सलेंट से एक्सलेंट इसका लाउड स्पीकर होने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। मैं थक गया इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देख के। इसके सेंसर की बात करें तो ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट होने वाला है, फेस लॉक होने वाला है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, जायरो, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेंसर में कोई डाउट नहीं, आपको सब बेस्ट मिलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक सिम एक मेमोरी यूज कर सकते हो, एक्सपेंडेबल नो, एक्सपेंड आप नहीं कर सकते हो, तो भी अदरवाइज इसमें सभी कुछ बेस्ट मिल रहा है, तो आप चलाएगा यार, नहीं एक्सपेंड कर सकते क्या हुआ। इसमें आपको मिलेगा जीपीएस आपको मिलेगा, NFC मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, सभी कुछ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 12 के साथ आ रहा है, MIUI 13 का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, जो कि बेस्ट इन बेस्ट इन क्लास सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस हो जाएगा। इसके वेरिएंट की बात करें तो आपको 3-4 वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको अभी 3 ही वेरिएंट बता रहा हूँ, 8128, 8256 एंड 12256, जो कि इसके प्राइस की बात करें तो 8128 आपको मिल जाएगा 60,000 के आसपास, 5762 इतना हो सकता है, तो अभी मैं फिक्स नहीं हूँ, लेकिन 1-2 हज़ार आगे पीछे हो जाएगा। तो सो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अगर न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना, कर लेना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।